प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आप लाइव प्रसारण सुन रहे थे। पीएम ने अपने बात की शुरुआत 26/11 की आज क्योंकि 15वीं बरसी है इस बात का जिक्र किया। आज के दिन हुआ सबसे जघन्य हमला, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत आज 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ की है। उन्होंने कहा है कि 26/11 कभी नहीं भूल सकते। वोकल फॉर लोकल से अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। जो बड़ी बातें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम की, वो हम आपको बता रहे हैं। वोकल फॉर लोकल को लेकर उन्होंने कहा है कि वोकल फॉर लोकल विकास की गारंटी है। वोकल फॉर लोकल से समृद्धि के द्वार खुले हैं, ये उन्होंने कहा है। साथ ही वोकल फॉर लोकल से अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। साथ ही देव दीपावली का उन्होंने जिक्र किया है। कहा है कि कल काशी के घाटों पर लाखों की संख्या में दीप जलाए जाएंगे। देव दीपावली की उन्होंने सभी को शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार वो काशी देव दीपावली पर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन सभी को उन्होंने अपनी कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी और साथ ही शुभकामनाएं दी है। साथ ही उन्होंने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत 26/11 में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए किया। अपनी बात की शुरुआत उन्होंने की है और क्या कुछ कहा है सुनिए। 26 नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को, पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था, लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। मुंबई हमले में अपना जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इस हमले में हमारे जो जांबाज वीरगति को प्राप्त हुए, देश आज उन्हें याद कर रहा। 26 नवंबर हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंक Z News.